माँ बाप को अपने बच्चे के लिए प्यार रहता है। आज आम तौर पे देखा जाता है तो मेरा बच्चा और अपने बेटे या बेटी को कोई भी एक अच्छा कार्य करते हैं तो उसको गिराते हैं, तालियां गिराते हैं और सबको बड़ी खुशी से अपन उन्हें मिलाते हैं। पर यही सोसाइटी में जब बच्चा अच्छा कार्य गाता है तो उसको एनुअल डे में बुलाते हैं, गाना गिलाते हैं, तालियां गिराते हैं, पर कोई सभासद अपने डॉग को या कैट को लेके घूमते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि लोग उसकी ओर से घृणा की ओर से देखते हैं, नफरत से देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। कोर्ट के कई फैसले ऐसे आए हैं कि डॉग इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, पेट इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली। आज मैं डॉग लवर हूँ, मेरी फ़र्ज है डॉग का ख्याल रखने का, मेंबर्स को इनकन्वीनियंस न गिरे। पर सवाल ये है कि छोटा सा एक डॉग है, वो बेचारा बोल नहीं सकता, वो ज़ोर से भंसता है, मान लो रात को 1 बजे उसने भंसा, तो क्या सोसाइटी के सदस्यों को ये राइट है कि वो उसको रोक सके, उस पर कोई भी तरह की पाबंदी लगा सके? और आप जानते ही हो कि सोसाइटी में पेट लवर्स के लिए कई बार अन्याय होता है। मेरा आज का व्याख्यान जो है वो मैं डॉग्स के बारे में, पेट्स के बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेरे डॉग लवर दोस्तों को कहूँगा कि तुम्हारी एक फ़र्ज है कि आपकी कोई भी डॉग या पेट की कोई भी तकलीफ़ है, मेंबर को गिरती है, तो उनके साथ टेबल पे बैठिए, रिजॉल्व कीजिए और उनका भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। आज कोई भी आमतौर पर कंप्लेन नहीं करता, जब वो कंप्लेन करता है तो सिंपल वे में अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी तरह से अपन उसका रिजॉल्व हो जाएगा। आप कोर्ट में जाएंगे, जज आपके फेवर में फैसला देगा, कभी सामने वाले की फेवर में फैसला देगा, तो जज तो सिर्फ एक ही पार्टी को खुश कर सकता है, पर आप उनके साथ मिलके, आपके ओपोनेंट्स के साथ मिलके टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करेंगे तो दोनों पार्टियाँ खुश होगी और अपने को साथ में रहना है। इसलिए एक टॉलरेंस का फीलिंग मेरी रिक्वेस्ट है पेट लवर्स को भी और क्रिटिक्स को भी कि प्लीज़ एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और उसका कुछ हल निकालिए। अब अपन देखते हैं कि समझो कोई भी वजह से आज एक पेट लवर को कोई अन्याय हो रहा है और सोसाइटी के मेंबर उनकी बोनाफाइड सबमिशंस को कदर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। अभी बिल्डिंग में कई बार देखा जाता है बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है तो घर में सब परेशान रहते हैं, उसी तरह से पेट को कुछ होता है तो कई बार वो भंसता है। आज कोई अननोन व्यक्ति आता है तो भी पेट भंसता है तो कई लोग को इसको न्यूसेंस करते हैं, पर क्या ये न्यूसेंस है? बिल्कुल नहीं, वो एक आदमी की तरह से वो अपना वेंटिलेट फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। आज मान लो बिल्डिंग में एक आदमी दारू पी के रात को 2 बजे आता है, वो मेंबर है, तो क्या सोसाइटी वाले उसको घर में नहीं आने देंगे, क्या उसको रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो मेंबर है, इसके लिए उस पर आँख आड़े कान करते हैं। इसी तरह से कोई भी समझो पेट कभी ज़ोर से भूखता भी है, उसके पास उसकी वजह रहेगी, तबीयत नहीं है, तो उसके लिए अपन कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। आज अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि पेट वाले जिसके हैं उनके क्या राइट्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं। कोई भी सोसाइटी में पेट को अगर बैन करना है वो सदंतर इलीगल चीज़ है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम कुत्ता लाओ, राउंड मराओ, कोई हर्ट नहीं है, पर उसके मुंह पे बांध दो, तो ये भी एकदम गलत बात है। कोई सोसाइटी में ऐसा देखा गया, ऐसे कानून बनाते हैं कि तुम आ सकते हो लिफ्ट में पर पेट नहीं आ सकता है, तो ये भी टोटली रॉन्ग है। कई सोसाइटीज़ में पेट वाले के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, तो ये भी टोटली सदंतर गलत बात है। आज पेट के लिए अगर सोसाइटी में एक छोटी सी जगह दी जाए कि यहाँ वो शिफ्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उस तरह से पेट लवर्स को भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तो उसको भी ट्रेन कर लेवे कि वही जगह पे जाके शिफ्ट करे, वो अच्छा है। कोई सोसाइटीज़ में पेट्स के ऊपर शिफ्ट करने की वजह से एक भारेखम पेनल्टी लगाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टोटली अ रॉन्ग थिंग दैट इज़ मैनी टाइम्स सीन इन सोसाइटीज़। पेट लवर्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका समझो पेट किधर गंदगी करता है तो यू प्लीज़ आपके मेड को या किसी को बोल के वो साफ़ करा दीजिए, बिकॉज दूसरे मेंबर्स को उनकी तरफ से उसकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं गिरना चाहिए।
आर्टिकल 55A सब क्लॉज जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल ड्यूटी कास्ट करता है कि हर प्राणी को, चाहे वह इंसान है एनिमल्स है, उसको जीने का पूरा अधिकार है। कई बार देखा है कि स्ट्रे एनिमल्स को बिल्डिंग के अंदर आते हैं या इवन पेट्स को कई लोग मार डालते हैं या मारते हैं। तो इंडियन पीनल कोड की धारा 428 और 429 के मुताबिक इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपका पेट है उसको आप किधर भी छोड़ देते हो तो वो सेक्शन 1111 और सेक्शन 1110 के मुताबिक और आपको 3 महीने की उसमें पेट लवर्स को जेल भी हो सकती है। इसलिए लॉ ने पेट लवर्स के भी थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्ट्रे डॉग्स को भी बर्थ जो है वो बर्थ कंट्रोल के जो है ना, स्ट्रे डॉग्स को भी काफ़ी राइट्स है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रे डॉग है ये लोग उसको धक्का मार के निकाले जा चुके, उनको कोई भी अच्छी जगह पे जो है एनिमल्स के रूल्स के मुताबिक 2000 रूल्स के मुताबिक उनको भी रहने का राइट है। किसी एनिमल को निग्लेक्ट करना, उसको खाना ना देना, पानी ना देना, उसको शेल्टर ना देना, एक्सरसाइज ना करना, चेन में बांध के रखना, तो उसके लिए कानून कहता है कि उसके लिए भी जो है नहीं 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है। अभी मैं समझो मेरे घर में डॉग है, मैं उसको बांध के 24 घंटा रखूँ तो 3 महीने की उसको पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 1111 सब क्लॉज H ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट जो है 1960 के मुताबिक ये हो सकता है। आज हाई कोर्ट ने ऐसे भी ऑर्डर्स पास किए हुए हैं कि पुलिस को स्ट्रे डॉग्स को जो है और कोई एनिमल लवर जाता है तो उसको प्रोटेक्शन करना पड़ता है और उसके साथ क्रिमिनल जो भी ऐसा करता है तो सेक्शन 503 के अंदर उसको एक्शन लेना चाहिए। और ये सब करने के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार अपन ने देखा है कि समझो मैं मेरे घर के अंदर एनिमल्स को फीड करूँ तो मेरे पड़ोसी को अच्छा ना लगे और मुझे धमकाते हैं। तो सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर जो है कोई भी एनिमल को फीड करता है तो उसको थ्रेट देना, एब्यूज़ देना, गाली गलौज करना, परेशान करना, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कई बार एनिमल को पकड़ लेते हैं और रख देते हैं एक जगह पे तो इसको लेके जा वरना हम उसको नहीं छोड़ेंगे ऐसा करके। तो सेक्शन 428 और 429 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर से इसमें 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। कोई भी आदमी उसको एनिमल को डिसलोकेट करता है, एबडक्ट करता है या क्रुएल्टी करता है तो उसको हो सकता है। जिस तरह से हम बच्चे पैदा करते हैं उसी तरह से पेट्स को भी एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 के मुताबिक वो उसको बच्चा पैदा करने का राइट है और ये राइट सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो आप डॉग्स के लिए ये है कि डॉग्स को आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, डिसलोकेट नहीं कर सकते, ना ही उसको जो है मार सकते हो, किल कर सकते हो। स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का रूल्स के भी उसके लिए किया है कि डॉग को ऐसा कुछ होता है उसको स्टरिलाइजेशन कर दिए, वैक्सीनेशन कीजिए। और पर उसका मतलब ये नहीं है कि म्यूनसिपालिटी वो डॉग्स को कुछ भी करके उसको तकलीफ देवे, क्योंकि जिस तरह से हमें इंसान को यहाँ पे रहने का राइट है उसी तरह से पेट्स को भी इसी जगह पे ये प्लैनेट अर्थ पे रहने का उतना ही अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कई फैसले दिए हैं। आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी कहता है कि हर एक सिटीजन की फर्ज है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को उसको थोड़े कंपैशन से देखना चाहिए। और एनिमल लवर्स जो है वो अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 19 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो राइट टू फ्रीडम का राइट है। और ये फ्रीडम जो है हर एक जन को खुद का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर इंक्लूडिंग टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ये मेरा पेशा है, मेरा ऑक्यूपेशन है, तो ये मेरा राइट दिया गया है। और ये ऑक्यूपेशन को आर्टिकल 19 का मेरा फंडामेंटल राइट जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कोई ले नहीं सकता मेरे से। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट देता है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये जो राइट टू पर्सनल राइट जो दिया गया है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वो जिस तरह से इंसान को है उसी तरह से वो डॉग्स और दूसरे पेट को भी एप्लीकेबल है। मेरी डॉग लवर्स से एज वेल एज
डॉग्स के जो खिलाफ है, पेट्स के खिलाफ, उनसे एक हमेशा विनंती है कि एक चीज़ म्यूचुअल एग्जिस्टेंस दोनों का रिकॉग्नाइज करना है। अगर डॉग लवर उसका पेशा है, उसका शौक है, तो वो डॉग्स को लाता है, खिलाता है, पिलाता है, तो उसको थोड़ा कॉपरेट कीजिए, उसको बताइए कि देख हम तुम्हें खिलाने पिलाने के खिलाफ नहीं है, हमारी ये तकलीफ है, तो चलो ना टेबल पे बैठ के अपन उसका सॉल्यूशन निकाले। एक छोटी सी बिल्डिंग में जगह दे दीजिए कि जहाँ वो पेट को पी करा सके, और उसको बोले कि तेरे डॉग्स को तो ट्रेन कर कि यहाँ पे जाके ही पेट पी करे, और इस तरह से अपने को साथ में मिल के रहना है, समाधान से आगे बढ़ना है। लिटिगेशन होगा तो बिल्डिंग में सब रहने वाले की वो जो है वो मज़ा नहीं आएगी। मैं आपको मेरे करीबन 40 साल का प्रैक्टिस जो है उसके मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि मैंने सोसाइटी के कामों में देखा है, बड़ी मुश्किल से कोई सोसाइटी कानून सही तरह से पूरे फॉलो कर दिए। तो घर लोग कांच के घर में रहते हैं, अगर डॉग लवर से कुछ गलती होती है तो उसी तरह से सोसाइटी वालों से भी कई गलतियाँ होती है। कई बार उन लोग दो फ्लैट को अमलगमेट करते हैं, नीच एरिया को, ड्राइंग स्पेस एरिया को उन लोग मिसयूज़ करते हैं। कई लोग एक फ्लैट के एक रूम का दो रूम करते हैं, कई लोग दो रूम को एक रूम ज्वाइन करते हैं, कई लोग WC को शिफ्ट करते हैं, कई लोग किचन को शिफ्ट करते हैं, सोसाइटी में सिक्योरिटी एजेंसी रखते हैं, RTO में गाड़ी जो बॉम्बे में गाड़ी है आउट ऑफ बॉम्बे का रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं तो कि थोड़े पैसे बचाने के लिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ सोसाइटी में गलत है। बेस्ट एग्जांपल है कार पार्किंग, रिक्रिएशनल ग्राउंड की जगह पे वो कार पार्किंग करते हैं। तो मित्रों, अगर तुम एक तलवार निकालोगे म्यान से तो दूसरा कोई, आजकल महात्मा गांधी का ज़माना है नहीं, तो दूसरा वाला भी तलवार निकालेगा, नतीजा दोनों में WWF होएगा। जीते कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी शांति तो चली जाएगी ना, वह बाकी लोग को उसमें दो पैसे की आमदनी होगी। तो मेरा ये सुझाव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखो, दोनों एक दूसरे के पॉइंट समझो। डॉग लवर से भी गलती होती है, इंडिविजुअल इंसान से भी गलती होती है, और मेरा तजुर्बा है सोसाइटी का कि जब 25 जन का टोला रहता तो एक जन को हीरो बनने के लिए जो जरूरी है उससे ज़्यादा बोलने लगता है, और बाकी के लोग उसको जानते हैं कि ये बराबर नहीं बोलता है, फिर भी उसको कंट्रोल में नहीं करते, और नतीजा एक बार वो अहम टकरा जाता है तो बाद में लिटिगेशन चालू होता है, फैमिली की पीस चली जाती है। मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, आज आपने किसी के साथ झगड़ा किया, झगड़े के तनाव में आप कुछ बोल देते हो, आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आज से 15 साल के बाद में आप सोचेंगे कि ये हमने किया था, तो आप खुद सोचिए 15 साल के बाद में आपको ये चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस लगने वाला है, छोटी सी बात थी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस जगह पे अपन रहते हैं उस जगह पे अपने पड़ोसी के साथ में खुशी से रहना, स्माइल दे के रहना या झगड़ के रहना, वो अपने हाथ में है, तो क्यों ना हम थोड़े ज़्यादा मैच्योर बन जावे, एक दूसरे को समझे और अपन इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। जिस तरह से आपको आपके बच्चे से प्यार है उसी तरह से डॉग लवर को या कैट लवर को उसके पेट से प्यार है, और वो उसको अपना अंतर वो अपना एक फैमिली का हिस्सा गिनता है, और उन लोग उतना उसे लव और अफेक्शन करते हैं कि कई बार तो अपन अपने बच्चे को भी उतना लव नहीं अफेक्शन नहीं करते, उससे ज़्यादा उन लोग अफेक्शन करते हैं। सो लेट अस हैव अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, एंड ये स्पिरिट रखेंगे तो ये ज़रूर अपने सबके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ऑफिस में मैंने एक रूल ही रखा है कि कोई भी पेट लवर आता है और वो पेट लवर कुछ को जेन्युइन डिफ़िकल्टी रहती है सोसाइटी की वजह से, तो वी गाइड द पेट लवर्स, वी रेंडर ऑनरी सर्विसेज टू द पेट लवर्स, एंड आवर आइडिया इज़ टू सी दैट रिजॉल्व, वी ट्राई टू रिजॉल्व, हो सके तो दोनों के डिस्प्यूट को अपन रिजॉल्व करें और पॉजिटिव एंगल से जावे, ना कि झगड़ा बढ़ाए। अल्टीमेटली झगड़ा करने से किसी का भला हुआ नहीं है, कि झगड़ के जो चीज़ पाओगे उनसे अच्छा प्यार मोहब्बत से पाओगे, और आपको थोड़ा कम भी मिले तो भी मेरी राय में वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू दोस्तों।